हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ होममेड पपाया फेशियल। आई होप यू लाइक इट, आई एंजॉय इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पपाया फेशियल के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन में। तो पपाया फेशियल के लिए हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो होगा क्लींजिंग का। तो क्लींजिंग के लिए जो हमें सामान चाहिए वो है रॉ मिल्क, पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा हमें चाहिए कॉटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं होममेड फेशियल। तो होममेड फेशियल में हम सब कुछ घर का यूज करने वाले हैं। तो फेशियल का सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्लींजिंग का। तो क्लींजिंग के लिए सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है नेचुरल क्लींजर वो होता है मिल्क। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रॉ मिल्क और उसमें हम थोड़ा सा पिंच मतलब कि चुटकी भर हम डाल रहे हैं उसमें नमक और उसको हम कॉटन से हम अपने फेस को वाइप कर लेंगे। So now first layer is done and I am doing second layer of milk, raw milk, क्योंकि जो milk की qualities होती हैं इससे हमारे face से अच्छे से cleanse होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छे से हो, तो मैं इसलिए second layer और लगाऊँगी अपने face पे। उसके बाद मैं baby wipes मैंने लिया है मैमी कोको पैंट्स का, उसके बाद मैं उससे clean कर लूँगी अपना face। और जब आप लेयर लगाएं तो उसे कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने दें, उसके बाद ही आप फेस को अपने वाइप करें। सेकंड स्टेप हमारा होगा स्टीमिंग। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप होममेड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक बाउल लें और उसमें हॉट वाटर डाल दें और उसके बाद आप अपने हेड को कवर कर लें टॉवल से और उसके बाद आप उस बाउल का जो हॉट वाटर होगा उससे आप स्टीम लें और 5 से 7 मिनट्स तक आप स्टीम लें। स्टीम लेने का फ़ायदा यह होता है कि आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे स्टीम लेने से और आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा। हमारा थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा एक्सफोलिएशन का। एक्सफोलिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे हनी एंड शुगर का। सो वैसे तो आप स्क्रबिंग के लिए आप मार्केट से अवेलेबल स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम कर रहे हैं होममेड फेशियल तो हम यहाँ पे होममेड ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम हनी एंड शुगर का इक्वल प्रोपोर्शन में हम मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद हम अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। सो स्क्रबिंग करने का जो हमें बेनिफिट होता है वो यह होता है कि हमें जो डेड स्किन की लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है और हमेशा हमें जो स्क्रब करना चाहिए वो बिल्कुल लाइट हैंड से करना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से करें स्क्रब। बट ये हमारा होममेड स्क्रब है और हमारे जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं होते हैं, तो अगर आपको स्क्रब करना है तो आप छोटे पार्टिकल वाली जो शुगर होती है तो वो यूज़ करें। बट अभी मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से किया है और आप बिल्कुल हल्के हाथ से करें। और फेशियल करते करते अगर एक आध चीनी का दाना आपके मुंह में अगर आ भी जाए तो आप उसे खा भी सकते हैं। ये इट्स नेचुरल एंड होममेड। और आप इसको 3 मिनट्स तक करेंगे मसाज और उसके बाद आप अपने पानी से जो टैप वाटर होता है उससे आप वॉश कर लें। सो या फोर्थ स्टेप इज मसाज। एंड मसाज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पपाया का जो हमने प्यूरी या पेस्ट आप बोल सकते हैं जो हमने उसका बनाया था हम उसी से ही करेंगे मसाज। तो या बिल्कुल सॉफ्टली करेंगे हम, जैसे कि आप कोई क्रीम या लोशन लगा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। 10 से 15 मिनट्स तक हम ये मसाज करेंगे, आप टाइम नोट करें। तो पपाया के वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप इससे अपना मसाज करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो स्मूदर होगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा जो वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपके एक्ने स्कार्स रिंकल्स कोई भी प्रॉब्लम है वो भी दूर। तो 15 मिनट्स मेरी मसाज को हो गए थे, उसके बाद हम अपना फेस वाइप कर लेंगे। सो या दिस इज द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट। सो फेस पैक बनाने के लिए मैंने यूज किया है बेसन और लेमन जूस और उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये पपाया का पेस्ट या प्यूरी और इसको हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो इससे आपके जो डेड स्किन की लेयर है वो रिमूव होएगी और आपकी स्किन जो है वो यंगर और रेडिएंट लगेगी। पपाया फेशियल एक डीप क्लींजिंग का काम भी करती है।
तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क हो गया है, तो आप पपाया फेशियल ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्शन को लाइट करेगा और आपका ग्लोई स्किन बनाएगा। सो पपाया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती सारे के सारे, तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। फेस पैक यहाँ पर सूख चुका है, हमारे पास कच्चा दूध रखा था, उसी से मसाज कर लेंगे हम, आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं। सो पैक मेरा सूख चुका था तो मैं इसे अपने टैप वाटर से वॉश करके आ चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं आफ्टर फेशियल। फेशियल करने के बाद आपको क्या स्टेप करना है, अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आपको रोज वाटर यूज करना है, जैसे कि मैं भी रोज वाटर यूज करने वाली हूँ क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर यूज करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपने रोज वाटर लेना है और अपने फेस पे ऐसे डैब करके सारे फेस पे अपने अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर भी यूज कर सकते हैं, ये हम सिंपली इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारे स्किन के जो पोर्स ओपन हुए हैं वो हमारे क्लोज हो जाएं, उसके ऊपर हम कोई लेयर लगा देंगे तो वो हमारे फेस के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी नहीं जाएंगे। ओके सो या दिस इज द फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। और ये फेशियल मैं आपको बोलूंगी कि आप रात को ही करें, क्योंकि हमें कोई भी फेशियल रात को ही करना चाहिए जिससे कि हमें हमारी स्किन को रेस्ट मिले, और क्योंकि रात को हम फेशियल करके सो जाएंगे तो हमारी स्किन को रेस्ट मिलेगा तो वो और अच्छा वर्क करेगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क करा है इस फेशियल ने, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है होममेड करने में काम, क्योंकि बाजार से हम एक तो लेके आते हैं तो सब कुछ पैक्ड होता है सब कुछ, पर होममेड करने में हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट आप ये सोचिए कि ये केमिकल फ्री होता है और पैराबिन फ्री, सब चीजों से फ्री होता है, तो ये हमारे स्किन को अच्छा ही करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। और हाँ गाइज, अगर वैसे तो ये सब चीजें नेचुरल चीजें होती हैं, पर किसी को ये रिएक्शन भी कर सकती है, जैसे कि नींबू जो होता है किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है, तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनली ब्यूटी थेरेपिस्ट, तो आप इस चीज को अपनी नजर में रख के आपको कौन सी चीज सूट करती है कौन सी नहीं करती है ये सब चीजें नजर में रख के आप कोई DIY या होममेड जो मैं आपको बता रही हूँ या कोई भी बताता है तो तभी यूज करें। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइज, आई एम अ न्यू यूट्यूबर तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट मी गाइज एंड थैंक यू, बाय बाय।